नमस्कार, मैं हरनीश सिंह गुलाटी आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक बहुत अच्छे लेसन के साथ। लेसन नंबर 22, अलंकार नंबर 21। आइए अब हम इसे देखेंगे। इस अलंकार में जैसे कि अभी आपने पिछले दो अलंकार बजाए, अलंकार नंबर 19 एंड 20, उसमें आपने सा सा बजाया, रे रे बजाया, दो दो बार स्वर था, फिर तीन तीन बार था, अब चार चार बार है। ये देखने में बहुत सिंपल है अलंकार। सब ये कहते हैं कि भाई नए बच्चे बजाते हैं, ये छोटे छोटे अलंकार होते हैं। छोटा अलंकार नहीं, ये बहुत बड़ा अलंकार है। इसको चौगुण और अटगुण में गाना और बजाना बहुत मुश्किल काम है। ये गले की भी अच्छी तैयारी करता है, गले में अच्छे आकार में ताने भी से तैयार होती हैं। आइए आप देखिए, अब हम चार चार बार बजाएंगे। सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, धा 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 धा, नी 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 नी, सा 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 सा, सा 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 सा, नी 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 नी, धा 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 धा, पापा पापा, मामा मामा, गागा गागा, रे 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 रे, सा 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 सा। ये सारे अलंकार आपको आगे चल के जैसे हारमोनियम पे कोई झाला बजाता है, फिंगरिंग आप देखते हैं चलती है, मैं वो सब टेक्निक्स बताऊंगा आपको। फिलहाल आप इनको याद करें, तैयार करें, क्योंकि इनको याद होना और तैयारी होनी इनकी बहुत जरूरी है। बाकी तो सब टेक्निक का काम है। जब उंगलियां चलने लगेंगी तो टेक्निक आप आती चली जाएगी, तो और आपका अच्छा चलता जाएगा। आइए अब हम इसको सीखेंगे हारमोनियम पर कैसे बजेगा। आइए चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये अलंकार हम कैसे बजाएंगे। अलंकार नंबर 21। जैसे कि हमने पिछले दो लेसन में अलंकार बजाए थे, हमने सा को डबल बजाया पहले, सा सा रे रे गा गा, फिर हमने ट्रिपल बजाया, सा 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 रे रे रे। अब हम इसको चार बार बजाएंगे। कैसे? सा 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 रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, धा 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 धा, नी 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 नी, सा 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 सा। तो ये क्या है, अब इसकी अवरोह देखिए। सा 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 सा, नी 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 नी, धा 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 धा, पा 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 पा, मा 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 मा, गा 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 गा, रे 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 रे, सा 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 सा। वही बात आती है पहले वाली कि जब हम इसे दुगुन चौगुन में बजाएंगे तो इसकी बात ही और होगी। देखिए, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, दा 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 दा, नी 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 नी, दा 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 दा, नी 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 नी, दा 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 दा, पा 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 पा, मा 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 मा, गा गा गा, रे 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 रे, सा 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 सा, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, दा 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 दा, नी 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 नी, दा 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 दा, नी 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 नी, दा 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 दा, पा 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 पा, मा 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 मा, गा 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 गा, रे 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 रे, सा सा सा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, इसको हाथ को बिल्कुल जब हम स्पीड में बजाते हैं तो हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। मैं फिर वही बात एक बता रहा हूं आपको कि आपकी ये चीज तैयार होगी, हाथ में वजन आएगा इसको बजाने से और गमक पैदा होगी, तो बहुत अच्छा हाथ तैयार हो जाएगा। जैसे आपने देखा हारमोनियम पर झाला बजाते हैं तो कई लोग इसको ऐसे भी बजाते हैं, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, दा दा दा, दो उंगली से, फिर तीन से भी बजाते हैं, ऐसे भी बजाते हैं। तो ये जो है ना, इसके ही झाले बन जाते हैं। देखिए एक एक्सरसाइज में आपको बताता हूं झाले की। तो ये जो चीजें आपके आगे आएंगी आपको मैं बताऊंगा, तो उसमें आपको ये चीज बहुत फायदा करेगी कि आपका पहले ही हाथ तैयार होगा तो ये बहुत बढ़िया बजेगा जो झाले वाले का आप काम इसमें देखते हैं हारमोनियम में। तो आप इसी तरीके से अभ्यास करें, आगे देखिएगा। अभी आपको और एक्सरसाइज में बताऊंगा उस्तादी, जो भी गुरुओं से लिया है बख्शीश है मुझे, तो आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, बांटूंगा। इसी तरह आप प्यार बनाए रखें और अभ्यास करें, मेहनत करें और धैर्य रखें। धैर्य रखना जीवन में बहुत जरूरी है, सब्र का फल मीठा होता है। तो धीरे धैर्य रख के आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करते चलें, आप अपने आप देखेंगे साल डेढ़ साल में कि आपका हाथ वाकई कुछ हाथ बज रहा है आपका। तो आइए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले लेसन में फिर आपके साथ भेंट करूंगा। आप अभी तक यहीं अभ्यास करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उनके साथ शेयर करें। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।